हाय, मैं साहिल अहमद गढ़िया। मैं एथलीट हूँ और आज अपना फोर्थ सेशन है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ सेशन। तो पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, तो जगह पे वार्म अप करेंगे। साइड में जमकर, जैसे कि आपको मालूम है थोड़ा बहुत वार्म अप करना है 5 मिनट, तो इस तरह से अपन जैसे हर बार करते हैं वार्म अप, वैसे वार्म अप करेंगे। फिर नेक की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो पहले नेक अप डाउन, 5 रैप्स करेंगे, साइड अप देखेंगे, साइड में शोल्डर पे लिखना है और क्रॉस अप देखना है। 1, 2, 3, 4, 5। अभी साइड चेंज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हुआ नेक की एक्सरसाइज। अभी शोल्डर की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। 1 राउंड करेंगे शोल्डर, आप फ्रंट कीजिए बैक कीजिए कुछ भी चलेगा। 3, 4, 5। अभी बैक किया था मैंने, अभी फ्रंट करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। अभी हैंड स्ट्रेच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अभी अपना शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, तो इधर अपने को इधर ये अपना 4 आर्म्स इधर रखना है और इसको पुश करना है, और जितना हो सके उतना पुश करने के बाद उसको होल्ड करेंगे फॉर 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। हैंड चेंज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बैक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। हैंड चेंज, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हुई शोल्डर की एक्सरसाइज। फिर मैंने आपको बताया था जैसे शोल्डर और हैंड को स्ट्रेंथ देने के लिए अपन इसको होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हुआ होल्डिंग, जिससे अपने को स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी जाते हैं एब्स। तो अभी पहले एब्स करेंगे। तो अभी अपन एब्स से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट अपने
था अपना जो था 90 डिग्री लेग रहेगा एंड हैंड इधर रहेगा स्ट्रेट रहेगा देन अप 1 2 3 4 5 आप जितने कर सकते हो आप उतने कीजिए। मैंने अभी 5 किए, अभी उसको 3 रेप्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप रेप्स बढ़ा दीजिए, ना कि इसके क्या बोलते हैं तो सेट्स बढ़ाइए। अपन जैसे अभी आज 5 रेप्स मारे, 5 रेप्स का एक सेट मारा है, फिर नेक्स्ट भी 5 रेप्स का एक सेट मार लिया, फिर अगर रूटीन हो जाता है तो 5 रेप्स के 3 सेट मार लिए, तो ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ा सकते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैंने बताया था ये पैर इधर ऐसे रहेगा और अप आना है। अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए तो आप पैर पे उधर पैर रखवाके ऊपर आने के लिए सपोर्ट भी ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हुई, पहले अपर एक्स की किया, अभी ये मिडल एक्स हुआ, अभी लोअर एक्स के लिए करेंगे एक्सरसाइज। होल्डिंग पे करेंगे, फर्स्ट होल्ड 25 डिग्री, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। अगर किसी को कंटिन्यू रखना है कंटिन्यू भी रख सकता है, आपकी उसको फिर 25 डिग्री से फिर 60 डिग्री पे लेके जाएंगे, फिर 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। अभी हम करेंगे 60 डिग्री पे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, वापस करेंगे 5 सेकंड्स के लिए रुकेंगे, 5 टू 10 सेकंड, फिर वापस स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री, 1 2 3 4 5। अभी मैं कंटिन्यू भी करके बताता हूँ, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये फ्रंट एब्स की हुई एक्सरसाइज, अभी साइड एब्स की भी एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज से आपका हिप्स और ये जो कमर का ये जो पार्ट होता है इसके फैट्स बर्न करता है, पैर सीधा ये पार्ट ऐसे आगे की तरफ रखेंगे ना कि पीछे की तरफ, आगे की तरफ आने देंगे, हाथ का सपोर्ट इधर लेंगे, पैर जितना स्ट्रेट ही अप करना है, ना कि ऐसे पीछे करके अप करना है, स्ट्रेट हिप्स आगे कर लेंगे थोड़ा और फ्रंट 1। इधर प्रेशर आना चाहिए, ये देखो इधर प्रेशर आएगा, अब किया तो इधर प्रेशर आएगा, 2 3 4 5। अभी चेंज करेंगे, तो ये हुआ दोनों साइड का। अभी राउंड करेंगे, यही चीज राउंड में करेंगे, पूरा पूरा पैर ऐसे राउंड घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू भी कीजिए, और रिलैक्स करना है तो रिलैक्स कीजिए, बाकी से उसको रिवर्स करेंगे, 1 2 3 4 5। तो
ये हुआ राउंड की होगी एक्सरसाइज। अभी एब्स की एक नई एक्सरसाइज बताऊंगा आज मैं, ऐसे आपको हाथ रखेंगे और फ्रंट स्क्वाटिंग करेंगे सर। वन बैक, टू बैक, थ्री बैक, फोर बैक, फाइव बैक, सिक्स बैक, सेवन बैक, एट बैक, नाइन बैक, टेन बैक। तो ये भी एक एक्सरसाइज हुई, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये भी एक एक्सरसाइज है जिसकी वजह से इधर बहुत प्रेशर आता है और आपका फैट्स, जो सबसे ज़्यादा फैट्स बॉडी में होता है वो इधर होता है और ये बंद करना बहुत मुश्किल है। तो वार्म अप जितना ज़्यादा करोगे फिर ये एक्सरसाइज करोगे तो उतना ज़्यादा बर्न होगी आपके फैट्स। तो अभी अपन चेस्ट करते हैं, पहले डिप्स मारेंगे नॉर्मल डिप्स। आपसे जितने रेप्स, फाइव रेप्स के तीन सेट कीजिए, फाइव रेप्स के दो सेट कीजिए, एक सेट कीजिए स्टार्टिंग में। तो जिस तरह से कर सकते हो आप वो वैसे कीजिए। एकदम नया स्टार्ट कर रहे हो तो एक रेप से स्टार्ट कीजिए, एक रेप के तीन सेट मारिए, यानी एक एक मारा फिर 10 सेकेंड का वेट किया, फिर वापस से एक और सेट मारा, एक का एक ही रेप्स। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते, अगर आप एडवांस हो गए तो रैप्स भी बढ़ाइए सेट भी बढ़ाइए, तीन सेट मिनिमम कर सकते हो। आपके घर में अगर मैट है तो आप मैट भी ले सकते हो। और स्ट्रेट पैरेलल में जाइए नीचे और नोज नीचे टच करें। वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये नॉर्मल जो चेस्ट वर्कआउट है इसके आप तीन रेप्स मारिए, फाइव रेप्स मारिए और तीन सेट मारिए, फाइव सेट मारिए, जैसे भी आपको करना है। अभी इसके बाद आपको करेंगे सूर्यासन और पूरा ऐसा ऊपर जाएंगे और वापिस रिटर्न। इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार भी बोलते हैं। दो वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये पूरी एक्सरसाइज चेस्ट की, एक नॉर्मल डिप्स हुआ, एक सूर्य नमस्कार हुआ, फिर डायमंड जैसे मैंने आपको बताया था ऐसा हाथ रखना है इधर और डिप्स मारना है, जिसकी वजह से आपके ट्राइसेप्स पे प्रेशर आएगा और ट्राइसेप्स भी बिल्ड होते हैं इससे। इसका जो हैंड रहता है वो चेस्ट लेवल के पास है। वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये डायमंड डिप्स मारने की वजह से ये पूरा प्रेशर में इधर आता है, फोर आर्म्स में भी बहुत प्रेशर आता है और चेस्ट के पास ही रखना है अपने हैंड्स को, तो पूरा प्रेशर इधर और इधर है। तो ये हुआ डायमंड डिप्स। तो ये हो गई, अभी चेस्ट भी हो गया, एब्स भी हो गए। अभी आपको कमर पे आएंगे, कमर का पार्ट लेंगे, पहले राउंड करेंगे। वन टू
रिवर्स करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हुई कमर की एक्सरसाइज। इसमें इसकी वजह से आपका जो ये जो पार्ट है लोअर वेस्ट वो स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर कभी ऐसे लचक आ जाती है, कभी कुछ उठाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सबसे इसको राहत मिलती है क्योंकि फ्लेक्सिबल हो जाती है चीज। अभी अपन ने राउंड किया, अभी साइड बेंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे साइड फैक्स भी कम होता है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अभी थोड़ा पैर ओपन करेंगे, शोल्डर से थोड़ा डबल ओपन करेंगे। अपना ये हाथ इधर लाएंगे, शूज को टच करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, जितना होता आपसे इतना होता है आप इतना लीजिए। ये जो अपना हेड है वो पीछे की तरफ अप में लेके जाएंगे और हाथ भी अप करेंगे, ऑपोजिट हैंड अप करेंगे ऐसा, 1 2 वापिस फ्रंट में आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये पैर ऐसा बैंड नहीं करेंगे, पैर को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, जितना आता है उतना ही कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन पैर स्ट्रेट रखिए, ऐसा बैंड करके मत करो तो एक्सरसाइज रॉन्ग होगी। तो ये वेस्ट का हो गया। अभी थाइस पे आते हैं, थाइस पे स्क्वाट्स करेंगे स्टार्टिंग में, 1 2 शोल्डर जितना पैर खुलेगा और फ्रंट बैठेंगे, ऐसा आगे नहीं बैठेंगे, स्ट्रेट बैठना है अपने को, स्ट्रेट जितना हो सके उतना स्ट्रेट बैठने की कोशिश कीजिए। एक दो दिन नहीं होगा, उसके बाद होगा, लेकिन स्ट्रेट बैठने की कोशिश कीजिए। अगर अपने को पहली बार में नहीं हो रहा है तो ये दीवार का सपोर्ट ले लीजिए और स्क्वाट मारेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हुआ स्क्वाट्स, और थाइस के ऊपर प्रेशर आता है इसकी वजह से और ये मजबूत होता है। अभी क्या करेंगे, स्क्वाट स्टेबल में स्क्वाट करेंगे, ऐसे दीवार पे होल्ड करके रख देंगे जैसे आप चेयर पे बैठे हो, नॉर्मल ऐसे बैठेंगे और हैंड स्ट्रेट और 10 सेकेंड अपन इधर स्टेबल रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बहुत प्रेशर आएगा आपको, रोज रैप्स बढ़ाते जाइए, आज 10 सेकेंड किया है कल 20 सेकेंड कीजिए, फिर 25 कीजिए, 30 कीजिए, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आप रूटीन में आते जाओगे रैप्स बढ़ाते जाओगे, फिर एक उसको स्टेबिलिटी दे दो। और अगर आपको ज़्यादा लूज वेट करना है तो उतना वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक आप स्टेबल लेके आ जाओगे तो बॉडी मेंटेन करेगा। अगर रोज एक ही चीज करोगे तो बॉडी मेंटेन होगी उससे, कि फॉर एग्जांपल अपना 60 kg से 50 kg लाना है तो अपन एक वर्कआउट किया, फॉर एग्जांपल 5 5 के 10 reps करना स्टार्ट कर दिए, 10 reps किए अपन 5 5 किए, यानी 10 set मारे अपन 5 reps के, तो फिर अपन रोज वही सेट मारेंगे तो स्टेबल हो गया, 50 kg पे आ गया फिर स्टेबल हो गया। अगर अपने को स्टेबल रखना अपना वेट तो आप रूटीन में वही एक्सरसाइज करते रहिए तो स्टेबल रहेगा अपना बॉडी। अगर आपको और लूज करना है तो उतना एक्सरसाइज बढ़ाते जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज बढ़ाते जाना पड़ेगा और रैप्स भी बढ़ाने पड़ेंगे तो उतना फैट्स लूज बहुत ज़्यादा होगा। अभी थाइस किया,
अभी काफ्स करेंगे ऐसा, वन टू थ्री फोर, टो पे आ गए, अब टो पे आ गए ऐसा, टो पे बैलेंस करेंगे और खींचेंगे तो इधर प्रेशर आना चाहिए, फोर फाइव, तो इसकी वजह से काफ पे स्ट्रेच आएगा और काफ मसल्स थोड़े स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगा काफ मसल्स। अभी इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे आप, पहले फ्रंट लेग अप करेंगे ऐसा, आप सो के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो या दीवार पे ऐसे सपोर्ट लेके कीजिए, विदाउट सपोर्ट करना है विदाउट सपोर्ट कीजिए, जैसे भी करना है कर सकते हो। वन टू थ्री फोर फाइव, नेक्स्ट है, और जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव। अभी साइड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अभी दोनों पैर की स्ट्रेचिंग हो गई, अभी राउंड करेंगे, वन, अगर आपको ये थाइस की भी स्ट्रेचिंग चाहिए तो आप इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इधर सपोर्ट लेने का हैंड का, ये पैर पूरा स्ट्रेच करने के बाद इसको अप कर रहेगा ऐसा, ऐसा किया पहले बैंड किया फिर अप, वन टू थ्री फोर फाइव, आगे की तरफ बढ़े ऐसा, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर और एक एक्सरसाइज है, साइड पूरा स्ट्रेच कर सकते हो अपन ऐसा, जितना हो सके उतना कीजिए आप, आपका वन टू थ्री फोर फाइव, चेंज करेंगे इस तरफ भी करेंगे अपन और स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके, जितना होता है जितना कीजिए, इससे थोड़ा ज्यादा होता है ज्यादा कीजिए, कम होता है कम कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इससे आपके थाइस स्ट्रेच हो गए। अभी एंकल भी बहुत जरूरी है, कभी चलते चलते हील्स पहनिए तो ऐसे पैर हो गया तो मोच आ जाती है, तो ये एक्सरसाइज करने की वजह से अपन अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करते तो अगर पैर ऐसा भी होता है तो चांसेस कम होते हैं मोच आने के, क्योंकि आपके पैर में एंकल में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। अगर अपन ये एक्सरसाइज नहीं करते तो एंकल स्टीफ हो जाता है, तो स्टीफ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कभी ऐसा पैर टेढ़ा होता है तो स्टिफनेस की वजह से मोच आती है, क्योंकि आपने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं रहती है। ये एक्सरसाइज करोगे तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो पैर ऐसा ऐसा भी होगा तो उसको आदत ऐसे ऐसे होगी तो क्या है कि वो मोच आने के चांसेस कम रहते हैं। पहले इसको राउंड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, रिवर्स, वन टू थ्री फोर फाइव, चेंज द लेग, वन टू थ्री फोर फाइव, रिवर्स, वन टू थ्री फोर फाइव। अभी फ्रंट, वन टू थ्री फोर फाइव, साइड, वन टू थ्री फोर फाइव। नेक्स्ट पैर चेंज करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव। तो अपनी आज की एक्सरसाइज सब खत्म होती है, मैं आशा करता हूँ सब लोग रोज एक्सरसाइज कीजिए और फिट रहिए।